कस्बा सौक में जाट एकता मंच और बेटरस इंडिया संगठन के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परचम फहरा चुके प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भारतीय सेना में कर्नल स्वरूप कुंतल, मेजर सचिन कुंतल, कैप्टन कुमार सिंह कुंतल, चेयरमैन भरत सिंह, कैप्टन नेत्रपाल सिंह, गोविंद सिंह, प्रिया सिंह, SKL ग्रुप केन्या के चेयरमैन सोनवीर सिंह आदि को केंद्रीय राज्य मंत्री सतपाल सिंह तोमर व पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीतम सिंह द्वारा सम्मानित किया गया। सर, आज गुटरपट्टी में प्रतिभाओं को सम्मान समारोह में आए, इसको लेकर क्या कुछ कहोगे? देखिए, आज बहुत ही अच्छी एक शुरुआत हुई है कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है, अपना नाम कमाया है, उन बच्चों का, उन लोगों का यहाँ पर आज सम्मान किया गया। ये निश्चित रूप से जहाँ उनको प्रेरणा देगा आगे बढ़ने के लिए, वहाँ समाज में दूसरे जो लोग हैं उपस्थित थे उनको भी जीवन में कुछ करने की बहुत बड़ा संकल्प लेने की प्रेरणा देगा। इसलिए इस जो कार्यक्रम हुआ है उसको मैं बहुत बहुत अपना साधुवाद देता हूँ, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि ये वीरभूमि निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में, वीरता के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में और वैभव के क्षेत्र में नई नई प्रतिभाएं यहाँ पैदा करेगी। नागरिक संशोधन बिल्कुल लेकर जो देश में विरोध चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? देखिए, जो हमारा नागरिकता संशोधन जो कानून बना है, भारत के किसी भी नागरिक के वो खिलाफ नहीं है। ये कानून उन लोगों के लिए बना है जो तीन देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, धर्म के नाम पर जिन लोगों को, जिन अल्पसंख्यकों को, तीनों देश इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम देश हैं, मुसलमानों को छोड़ करके जो भी वहाँ पर रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी है, बौद्ध जैन हैं, जिन लोगों को वहाँ पर अत्याचार किया गया, उनके परिवारों को अत्याचार किया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये कानून बनने से पहले ये जो कमेटी पार्लियामेंट की बनी थी, संसद की बनी थी, उसका मैं भी चेयरमैन था। लगभग 1.5-2 वर्षों तक मैंने उन लोगों की हृदय विदीर्ण गाथाएं सुनी हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बेचारे भागकर। प्रिया जी, आज कस्बा सौक में प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान आपको सम्मान दिया गया, कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज तक हमें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन ये अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने लोगों ने कुछ सम्मानित किया, तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे गांव के एरिया में ये सारी चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब थाईलैंड खेलने जा रही थी तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी, मैं बहुत लोगों के पास भी आई थी सौक में, लेकिन वहाँ उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने, जब मेरा मेडल लाने के बाद उन लोगों ने सम्मान किया तो काफी अच्छा लगा। तो मैं सम्मान समारोह के दौरान आपके कोच हैं गोविंद जी, उन्होंने जो मांगे रखी थी उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? जो मेरे सर ने जो लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।